इतना साफ कीड़ा रहत रहना। खाओ पियो घूमो, इसीलिए पूरा खाना गांव में बनता है। ये मिट्टी का जो बर्तन, इसको थपुआ नरिया का मकान बोला, और शायद पिछले साल ही गिरा है। बैलगाड़ी है ये। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग आपको कर रहा हूँ मैं। अपने मामा जी के गांव आया हुआ हूँ, और कुछ पहले व्यू देखो, बाद में मैं सबसे मिलाऊंगा भी आपको, कि मेरे मामा जी भाई बड़ी दीदी सबसे आपको मिलाना भी होगा। तो पहले आप व्यू को एंजॉय करो, फिर मिलते हैं अपन। आगे है ना, ये जो लाइन जैसे दिख रही है, ये बांध है, उसके उधर है नदी है पूरी की पूरी। तो देखो, ज़्यादा टाइम नहीं है, अगली बार फिर आना होगा तो मैं आगे के व्यूज़ को भी चल के आपको एंजॉय कराऊंगा गाइस। अभी आप सिर्फ ना हरियाली वगैरह देख लो, देख रहे हो ये बांध के ऊपर बाइक वगैरह वो बंदा चला रहा है वहाँ पे। तो बस जस्ट उसके उधर नदी है थोड़ा आगे जा करके। अगर आप देखोगे ध्यान से तो थोड़े पेड़ वगैरह आपको दिख रहे होंगे, वो सब मतलब नदी के अंदर ही आते हैं। जब पानी ज़्यादा होता है तो नदी बिल्कुल इस पर टच कर लेती है, कभी कभी इससे ऊपर तक आ जाती है, और जब कम रहता है तो उसके पीछे चली जाती है। अच्छा, आपने ये चीज़ नोटिस की है, बैलगाड़ी है ये। आजकल सिटी में कहाँ देखने को मिलती है, मैं मतलब यार बहुत, आज बचपन में देखी थी, आज देखने को मिली है। तो आप देख पा रहे हो ये बैलगाड़ी है गाइस। और सरसों, सबसे प्यारा जो लग रहा है ना व्यू देखा जाए तो सरसों के खेत का है, शानदार। और ये मेरे बड़े मामा जी का घर है, ये मेरे बड़े मामा जी का घर है। वहाँ पापा जी बैठ करके मामी जी से बात वगैरह कर रहे हैं। ज़्यादातर व्लॉग करूँगा ना तो उनको किसी को पता नहीं रहे कि उनका व्लॉग आ भी रहा है, तो वैसे रिकॉर्ड करूँगा जैसे उनको नहीं मालूम पड़े बिल्कुल भी, क्योंकि बता के व्लॉग करने में मज़ा नहीं आता है। तो ये पूरा उनका घर है, ये हमारी बड़ी मामी जी हैं जो पापा के साथ बैठ के बात कर रही हैं। तो ये बात कर रहे हैं, बाकी मैं आगे चलता हूँ। गाइस, जब हम छोटे थे ना उस टाइम पे क्या था, ये वाला जो हिस्सा ये टूटा हुआ दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा, ये बहुत प्यारा बना हुआ था, मतलब पूरा मिट्टी का बना हुआ है। भले आपको देख के लग रहा हो कि सीमेंटेड है, सिर्फ आगे का ये जो हिस्सा है ना इतना सा था, बाकी का पीछे का पूरा मिट्टी का बना हुआ था, और हम इसमें बहुत इंजॉय, बहुत मस्ती करते थे। अभी खैर गिर चुका है ये, और शायद पिछले साल ही गिरा है, मेरे भाग्य में नहीं था तो मैं नहीं देख पाया। पर हाँ, कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मतलब बहुत, यहाँ पे ना बहुत ही खूब जगह थी, और यहाँ पे बहुत अच्छा इन्जॉय करते थे, बहुत खेलते थे, बहुत मस्ती करते थे। ये कुआँ था जब हम गर्मियों में आते थे यहाँ पे, ये सिल्फर का पेड़ था, इस पर से सिल्फर गिरने का वेट करते थे हम सब, कि जब वो गिरता था तो हम सब लड़ते थे आपस में, जितने भी भाई बहन सब ये लड़ाई करते थे, लड़ाई करके और जिसके हाथ में आता था, खैर पीते सबके सब थे, बस वो एक नाम हो जाता था, भाई मैंने पकड़ा है तो मेरे को ज़्यादा चाहिए, तो वो चीज़ होती थी। इस पर से सिल्फर गिरता था, और गिरे हुए सिल्फर को हम गुड़ के साथ मिला करके रस बनाते थे। ये पूरी जगह रहती थी जहाँ पर हम सबके साथ बैठते थे, रात को ना यहाँ पर टॉली लग जाती थी, और बच्चों को सरमई, हम पूरी फैमिली जब यहाँ पर इकट्ठा होती थी तो बारात जैसे हो जाती थी पूरी की पूरी। तो यहाँ पर ट्रॉली लगती थी, इस ट्रॉली के ऊपर सारे बच्चों को सुलाया जाता था, और यहाँ पर बड़े बुजुर्ग वगैरह सब सोते थे पूरी जगह के ऊपर। मतलब ये जो खाली जगह जितनी देख रहे हो ना, ये पूरे के ऊपर कवर हो जाता है, सबके सब आदमी बैठे रहते थे इस जगह पे। और गांव का मकान बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, तो इसको थपुआ नरिया का मकान बोला जाता है, कई लोग इसे खपड़ोल भी बोलते हैं। तो इसका ये पूरा बना हुआ है, इसको हर साल रेनोवेट किया जाता है छत को, क्योंकि बंदर वगैरह तोड़ देते हैं तो इसको रेनोवेट होता है। ये जो आगे का जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो, ये हम छोटे आए थे ना तब भी वैसा था, और आज भी ये पोर्शन बिल्कुल का वैसा ही है। तो बस एक याद है जो मैं समेट के लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं आगे, क्या पता अगले साल हम आए और ये घर मिले ना मिले। तो उसके हिसाब से हमारी दादी जी थी वो यहाँ पर बैठी रहती थी, नानी जी थी जो, वो नानी जी हमेशा उनके बेड यहाँ पे रहते थे, वो यहीं बैठती थी और उन सबको वॉच भी रखती थी और डांटती भी रहती थी अगर कुछ गलत करते थे। तो वैसे रहता था, बच्चों के लिए कि ये कमरा भी रखा गया था, बच्चे वगैरह इसमें सब खेलते वेलते थे, हम छोटे छोटे थे तब के टाइम के अंदर, तो हमारा खेलना वेलना सब इसमें होता था। और अभी अगर गेट देखो, ये लकड़ी का गेट बना हुआ है उस टाइम का, और आज भी सही है ये, जिस कंडीशन का था उसी कंडीशन का आज भी है ये, कोई कमी नहीं है इसके अंदर। अब तो वैसा भी ये इसमें दीवार वगैरह का सब बन चुका है, नहीं तो पहले चारा रहता था इसके अंदर एक तरफ के अंदर, और अभी सही रहता है। सुरेश भाई क्या, हाँ कोई है क्या, कोई नहीं है, तब भी मैं आ रहा हूँ। तो ये सामने है ना गाइस, ये है, नहीं पास से चल के दिखाता हूँ, जहाँ पे अभी सुरेश का लड़का बैठा हुआ है ना,
बाबू जब बैठा है एग्जैक्ट हम जब आते थे हम सब तो हम सब यहीं बैठे रहते थे लाइन से हम सब वहाँ बैठते थे और मामी जी और दीदी रहती थी ना तो हम सबको खाना खिलाते थे इस जगह पे। और ये चूल्हा है जहाँ पे पूरा बनता था, एक चूल्हा यहाँ पे है एक चूल्हा उधर है, बड़ी छोटी मामी जी का यहाँ पे था, बड़ी मामी जी का चूल्हा उधर अभी भी होगा वहाँ पे। खैर अभी तो खैर गैस पे खाना बनता है। अच्छा लाइक कर देना गाइस सबने बोला है, ठीक है। वो है वो जो कोने में देख रहा ना पहले वहाँ पूरा बनता था खाना वाना जब हम छोटे थे। और यहाँ पे एक बोरा एक ये है, ठीक है। ये हमारा फिक्स एरिया था ये वाला, यहाँ पे हम सब लाइन से बैठ जाते थे जितने भी चिल्लर जुल्लर थे और दीदी थी और मामी जी, ये हमको लाइन से यहाँ पे खाना देते थे, यहाँ पे खाते थे। और ये वो पंप था, ये एरिया वैसा ही है जैसा पहले था ना, सेम बिल्कुल अभी भी वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उधर रामायण भाई, इधर रामायण भाई का कमरा था इस तरफ के अंदर, इधर रामायण भाई का कमरा था, उधर उधर मामा जी वगैरह सब रहते थे। और आज भी ये छत बिल्कुल वैसे ही बचा के सेपरेट रखी गई जैसे पहले के टाइम पे थे। तो अगर किसी ने थपोर एरिया नहीं देखा है ना तो देख सकता है इस टाइप का अंदर से रहता है। तो बस एक ये है व्यू है कि हम बचा के लेके जा रहे हैं, उस समय हम छोटे छोटे थे अब थोड़े बड़े बड़े हो गए। चलिए नाश्ता वगैरह कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये मिट्टी का जो बर्तन दिख रहा है ना, नॉर्मली इसके अंदर अनाज वगैरह स्टोर करके रखा जाता था पहले से। आज देखो ना अनाज रखते हैं ना तो कीड़े लग जाते हैं, इसमें अभी रखा जाता है तो कीड़े नहीं लगते हैं और बहुत आराम से इसमें अनाज रह जाता है। तो चलिए चाय नाश्ता वगैरह कर लिए। और सबसे बड़ी चीज़ हम जब उस समय छोटे थे ना तो है हाँ। तो पहले ये गली थी, इस गली से हम ज़्यादातर क्रॉस करते थे, उधर एक गेट था और उस गेट से ना हम हमेशा हमारा सिर भिड़ता था, भूल जाते थे तो निकलते थे तो सिर भिड़ जाता। खैर अब वो गिर चुका है तो उतना खैर वो नहीं है, चलते हैं। मामा जी का उस समय जो मकान बना हुआ था ना वो ना, मतलब वो मकान ही पक्का था ज़्यादातर, तो हम ज़्यादा वो उसमें भागते थे खेलने के लिए, ये खेलने की जगह बड़ी अच्छी बन गई थी। ये वाला जो ट्रैक्टर है ये बचपन से देखते देखते बड़ा हो गया और आज भी ये ट्रैक्टर अपनी जगह पर कायम है। इसके बाद में काफ़ी चीज़ें हिल गई पर ये हिला नहीं हिला, ये आज भी वैसे का वैसे रखा हुआ है। ये वो वाला मकान है जिसमें हम पहले खेलते थे। खैर अभी कलर वगैरह हो गया, पहले यहाँ पे ना सामने एक मड़ई जैसे लगी हुई थी, मड़ई मतलब अगर आप गाँव के देख रहे हो ब्लॉग को तो छान का बना हुआ था, कहाँ दिखाऊँ मैं, हाँ ऐसे देख रहे हो छत पे ऐसे लगा हुआ है, तो पहले के यहाँ पे बिल्कुल वैसे लगा हुआ था और उससे कवर रहता था ये। तो अब तो खैर ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हो चुकी है, थोड़ा मामा जी के पास लेके चलता हूँ। ये हमारे मामा जी हैं, पहले जब आते थे तब हम सब कुछ करते थे, अब तो खैर इनकी तबीयत वबीयत ख़राब है। और ये हमारी मामी जी हैं, सबसे ज़्यादा मम्मी के नहीं रहने पे ना मामी ने ही बहुत किया, मतलब हमको फील नहीं हुआ एक बार में कि भाई ये मम्मी नहीं है खिलाना पिलाना सब कुछ करना, तो बहुत कुछ किया है मामा मामी जी ने हमारे लिए, बहुत कुछ किया। जब मम्मी जी की तबीयत ख़राब रहती थी तो हम यहीं पे रहते थे, खाना पीना कपड़ा लत्ता बहुत किया, तो वही उस टाइम पे मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। खाना है जो भी मैं खा रहा हूँ, तो मामा जी के घर को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, चलते हैं अब यहाँ से आगे का काम है कुछ, उस काम को करने के लिए निकल रहे हैं। जीजा जी उनके घर पे जा रहे हैं, तो दीदी वगैरह हैं, मामा जी हैं, ये मामा जी और भैया हैं, अब इन सबको बाय बाय कर रहे हैं और चल रहे हैं अपने घर के लिए। तो चलते हैं जीजा जी से मिलते हैं, फिर कुछ काम करेंगे फिर अपने घर जाएंगे। बर्फी खा रहा है ये, तो चलिए तो मामा जी घर से निकल गए हैं। बाय बाय कर दो बाबू, बाय बाय कर दो जल्दी अब। अरे बाय, ये तो बाय। अब गए, कांच बंद कर लो, बैठे रहो चुपचाप। अब चलते हैं आगे के लिए। मोबाइल वाइल सब अपना रख लिए हो ना? मेरा तो भाई पूरा है, तू देख अपना। मेरा तो है जी, अपना देना। पापा जी अपना देना। मेरा है, मेरा भी है। और सुनावा गांव में आपने देखा था तो छोटे चाचा थे, ये मेरे बड़े पापा हैं, ताऊ जी हैं और ये पापा हो गए साथ में। इनका एक वीडियो नहीं था मेरे पास में तो मैं सोचा कि भाई ले लूं,
आगे भविष्य में काम आएगा, जब देखने का मन करेगा इनको तो वीडियो में जाके देख सकेंगे। तो ये अहमदाबाद रहते हैं और वहाँ से ये पूरे परिवार को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसा ये बोलते हैं वैसे दोनों भाई करते हैं और वैसे ही रहते हैं। तो इनसे हमें ये सीखने को हमेशा मिलता है कि भाई परिवार को जोड़ के कैसे रखना है। इन्होंने परिवार को जोड़ करके पूरी ज़िंदगी चलाया है। ये जो कुर्सी लेकर के आए जीजू हैं जो गाँव में रहते हैं, मतलब इनकी जो लड़की है मीरान दीदी, उनसे इनकी शादी हुई थी। तो वैसे ही मैं परिवार के वीडियो को बना बना के सेव कर रहा हूँ कि आगे जाए तो हम देख सके सबको। दीदी आ रहा हूँ अंदर में। ये दीदी हैं और एक गांव पे बैठ कर कैसे पूरा खाना बनता है, कोई है नहीं ना, ये रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे आएगा बाद में तो देख सकते हैं हम। तो ऐसे पूरा खाना गांव में बनता है, प्रॉपर बना कर खाया पिया जाता है। बाबू छिल जाएगा हाथ, सब छिल जाएगा। मेरे इसमें नहीं छिलेगा, इसमें नहीं छिलेगा, अभी कच्चा है। घूमने के लिए, मजे उड़ाने के लिए आप अपने घर पे आ चुके हैं मामा जी के घर से और अपने खेत में घूमने जा रहे हैं। अभी यही काम है यहाँ पे, खाओ पियो घूमो, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे। चलो आप थोड़ा हरियाली के मजे लो, हम अपने खेतों को देख के आते हैं जरा। बहुत बड़ा जंगल था, इसमें खरगोश, गिद्ध, सियार, शेर सब इसमें रहते थे। और यहाँ ब्रह्म बाबा का स्थान था, इतना सांप कीड़ा रहता रहा, लेकिन कभी किसी को काटे नहीं। ब्रह्म बाबा का इतना मेहरबानी था, कृपा था, कभी किसी को काटे नहीं। तो गाइस अभी आए हुए हैं हम, हमारे मतलब जैसे ब्रह्म बाबा हैं एक, उनके यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के लिए। और ये देख रहे हो बिल्कुल बगीचे के बीच में, वैसे यहाँ पे बहुत भारी बगीचा था, बहुत मैंने भी देखा था उस समय भी, इस तरफ के अंदर बहुत सारे पेड़ थे, अब तो खैर गिनती गिर गए। तो यार कोई गांव का बंदा वीडियो देख रहा है ना, तो कोशिश करो आपके गाँव में अगर कोई बगीचा है, अगर पेड़ काटना पड़ रहा है ना तो उसके बदले एक कट रहा है तो दो पेड़ लगा हुआ। अरे अरे ऐसे चल जाएगा तू। दूर ये नील गाय है, ये गांव के अंदर नील गाय मिलती है। ये काला वाला है ना, तो बहुत बदमाश है, माता है चाहते। ये सब नील गाय है, ये जो भागती आपको दिख रही है ये ना बचपन में देखी थी, अब जाकर के देखने को मिली है। अब खूब है ना, भड़बड़ भड़बड़ कर रहा है। यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं, थक गए हैं। धान कुटी है, धान कुटाता है गांव में, इससे से धान कुटाता है, मतलब धान को चावल बोलते हैं वो है। ले जाए बड़े।
इतनी बड़ी बड़ी। नॉर्मल ऐसी पूरी देखने को नहीं मिलती है, पर है ना यहाँ पे क्यों देखने को मिल रही है इसका, क्योंकि रीज़न क्या है, बिहार के ना बलिया से टच करता है, तो ऐसी पूरी नॉर्मल यहीं मिलती है। खैर मैं शादी में आया हुआ था,